Aries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my dusri YouTube channel, jiska link hoga description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? This is your sunshine in human form. Aur hum dekh rahe hain worst Indian fitness YouTubers featuring Nitish Soni. I've got no idea who they are, लेकिन पता चल जाएगा थोड़ी देर में. So let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. I think this is the first video after I confessed. Just to let you know कि मैंने बहुत सारे already सुबह शाम दिन रात. I will only watching his podcast. If you want me to react to it with you, then I will. मुझे नहीं पता कितना को interest है मेरे साथ देखने के लिए. But if you have it, let me know. हम साथ देखेंगे वरना मैं अकेले देख रही हूँ. And I am okay with seeing it again for sure. Okay, I try not to blush. And focus video पे ठीक है, चलो play. Blue. Why? ये सब नहीं करना चाहिए. मेरा घुटना अब साथ दी. थकेश. उम्र हो गई हमारी. भाई ने इतना सिंपल कपड़ा क्यों पहना? बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में. ओके, मैं भी कोई कम दी हूँ, मुझे भी बहुत कुछ पता है फिटनेस के बारे में, इसलिए मैं जज कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ. मैं गुरु मान के जमाने से देख रहा हूँ फिटनेस वीडियोस यूट्यूब पे. बहुत चेंज हो गया भाई यूट्यूब. अभी थोड़े टाइम पहले फिटनेस इन्फ्लुएंसर सिर्फ स्टेरॉइड यूज करते थे फेमस होने के लिए, अब अपनी एक्स को, सत्तू को और गरीबों को भी अब्यूज करते हैं. फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करें और नीतीश सोनी एक सत्तू किंग लाइफ में ना हो तो कैसे चलेगा? नीतीश जी पहले बॉयज प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेकिन जब से इंजेक्शन लेके लोगों के मैन बूब्स बढ़ गए, तब से वो महिलाओं को महिला के प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं. देखो, आज ना पीसीओएस और पीरियड्स और जिनको भी हार्मोन बैलेंस इशू है उनके लिए एक बहुत प्यारी पिन्नी बता रहा हूँ, इसको ऐड कर लेना. ये पूरी महिलाओं के लिए जो भी जिस परेशान है, इसे क्या करना, कुछ अंजीर उनको 30 मिनट के लिए पानी में भिगो देना गर्म. उसके बाद उसको मिक्सी में डाल के थोड़े से डेट्स डाल के उनको मैश कर लेना. मैश करने के बाद 2 चम्मच देसी घी में कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, अखरोट और साथ में सीड्स, पम्पकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड हो गए, इन सीड के साथ में थोड़ा सा एक कटोरी कोकोनट जो चूरा बनाते हैं ना, खोपरा बोलते हैं, उसको मिक्स करके, सारा मिक्स करके पिन्नी बन जाएगी. एक पिन्नी पूरे दिन में जब मर्जी खा लेना. जितने भी डॉक्टर हैं ऐसे सब पढ़ाई विड़ाई किया ना, नीतीश जी के पैर छू के जाते हैं भाई. पिन्नी पिन्नी जिंदाबाद, पिन्नी सुप्रीमसी, दवाई पिन्नी सुप्रीमसी. डॉक्टर के लैब कोट में पॉकेट क्यों होते हैं? ताकि नीतीश जी की फोटो रख सके. नीतीश जी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए दोनों जेंडर की तबीयत खराब कर रहे हैं. सत श्री अकाल पाजी. सत श्री अकाल वीरे, की हाल चाल? वधिया पाजी. पाजी तुसी प्रसाद दे आ रहे हो ना? हां हां भाई, मैं वही जो प्रसाद बड़ी वीडियो देखदा. शुक्रिया शुक्रिया वीरे. ते पाजी कोई पेट साफ दा है ना? हां पेट खराब रहंदा है. देखो मैं ना आपको एक तरीका बता दूं, बहुत प्यारा तरीका है, घर पे इसको हर कोई यूज कर सकता है. क्या, रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी अजवाइन इनको साथ में खाना है और एक गिलास ऊपर गर्म पानी पीना है. और ये वीडियो उनको भेज देना जो 2-2 घंटे वॉशरूम में बैठे रहते हैं, उनका पेट साफ हो जाएगा. थैंक्स टू नीतीश सर. पहले मैं वॉशरूम में 2 घंटे बिताता, अब 8 बिताता हूँ. पेट से तो लड़ी रहा था, यहाँ भी लड़ रहा हूँ. मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम टॉयलेट करता हूँ. हाँ बॉस, बस फाइल भेज रहा हूँ. 5 मिनट नहीं, आपको नहीं, 1 मिनट में भेज रहा हूँ. काला नमक इनका एक प्री मिक्स बन जाएगा, मतलब एक पाउडर बन जाएगा, है ना. जब तू बर्फ डाल सकता ना, वो पाउडर साथ में कैरी कर ले अपनी. क्यों बिना बात के जहर पीना? ये जहर है, देख ये देख, ये जहर है. ठीक है ना, वो दारू में मिक्स करने का था उसको, कोक बेचारे को, आप रेडी मिक्स पाउडर बता रहे हो उसको. अरे वो कोक डस्टबिन में फेंक देते, रस्ते पे फेंक दिया पूरा. अभी आपके जिम में कोई गंदगी करेगा तो अच्छा नहीं है. नहीं, आप जो रील बनाते हो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूसरा बोल रहा हूँ. नीतीश जी की नाक और नजर इतनी तेज है ना, नार्कोटिक्स वाले एयरपोर्ट सिक्योरिटी में रखने का सोच रहे. किसी को भी रेमेडी सजेस्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि सिम्टम्स क्या है. क्या किसी को हमेशा पेट में गैस रहता है, हार्ट बीट मारता है, तो बार बार फाट मार के रूम खाली कर देता है पूरा, तो वो सिर्फ इनडाइजेशन की वजह से नहीं होता है, लिवर स्लो होने के कारण भी हो सकता है. मुंह से बदबू आना, वजन बढ़ना, यूरिन का कलर येलो होना, भयंकर हेयर लॉस, नाखून पे लाइन बन जाना. बहुत लोग सोच रहे भाई हमको होता है ये सब, है ना. इसके अलावा और भी सारे सिम्टम्स लिवर ढंग से ना काम करने के कारण हो सकते हैं. अभी मैं गूगल जैसे तुम लोग को डराने नहीं आया, तुम लोग जमा हो जाओगे. मैं आया हूँ एक वेलनेस रूटीन लेकर जो बनाएगा लिवर को स्ट्रॉन्ग. अगर आपको भी इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है आप में, आपके लव बन, ट्राई करें.
वीरेंद्र सिंह के पहल न्यूट्रिशन, यूजर नेम में न्यूट्रिशन देख के डॉक्टर मत समझना भाई को। ये देखो, ये मत देखो, ये देखो, ये स्माइल और ये फेस पे फैट कितना है, ये देखो। अगर फेस का फैट कम करना है और पेट कम करना है तो ये एक्सरसाइज करनी। सुनो, देखो, चलो आवाज नहीं आ रही, तेज शेर जोर लगा के फेस योगा से काम होता है। शुरू नहीं किया उसके पहले, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तेज जोर लगा के ये चल चल। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 15 किलो वेट कम होगा, ये पेट कम होगा, फेस का फैट कम होगा। चारे अंकल लोग को मसाला चाय का लालच देके बुलाया दुकान में, फिटनेस से कोई लेना देना है नहीं है। सपना ब्यूटी पार्लर में अंकल के पेट के बाल तो निकलवा देता पहले, ऐसे ही बेचारे लोग को जलील करने खड़ा कर दिया। क्या बेचारे मिस्टर ओलंपिया मेडल जीतेंगे ये उम्र में? FD का इंटरेस्ट, पेंशन के मजे लेने का उम्र है, करने दो उनको। तू बोल रहा है ना फेस फैट है, उनको चाहिए ही नहीं जॉ लाइन, देख के लग रहा है उनको जॉ लाइन चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा फूफू करके फेस फैट कम होता ना भाई, मोटापा होता ही नहीं देश में। अभी ये सब देख के आप लोग को समझ गया रहेगा भाई की सप्लीमेंट की दुकान है भाई, कोई भी हालत में सप्लीमेंट बेचेंगे, कोई भी एक्सरसाइज बताएंगे लेकिन सप्लीमेंट बेचेंगे। प्रिंगल्स का डब्बा ज्यादा लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट एक्सपायर होने आया, इसलिए MLM से भी ज्यादा फेंक रहे। पेट खराब, आई लाइक प्रिंगल्स। इंजन ऑयल पता है घर पे होगा, 1 चम्मच इंजन ऑयल लेना है, उसको ग्लास में डालना है, ऊपर से रसना तो होगा घर पे, रसना इंजन ऑयल में आपको रसना मिलाना है, बट फेस योगा वर्क्स। और अगर आप महिला को भी सेम दिक्कत हो रही है तो रसना के ऊपर आप 1 चम्मच टैल्कम पाउडर डाल सकते हैं। एंड कैंसर है आपको? चना देखा है कभी घोड़ों को कैंसर होते हो? क्यों? चना। और अगर ज्यादा कैंसर बढ़ रहा है आपका तो घोड़ों की तरह आपको खड़े होकर सोना है। घोड़े को कभी देखा है लेट के सोते हुए? कोई तो रीजन होगा ना उन्हें कैंसर नहीं होता। घोड़ा बनो, घोड़ा। नेक्स्ट, वीरेंद्र भाई को मालूम है इंसान को कल क्या खाया वो याद रहता नहीं, तो 45 डेज चैलेंज तो जाने ही दो। इसलिए सिग्नल पे जो मोटा बोना लंबा जो भी इनसिक्योर आदमी मिले सबको लेके आओ, तेरा तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। ये वही वाला पंखे वाला आदमी है वो। चलो हाइट उठा, चलो ना गुड़िया, ये नहीं दिखानी अपने आप को, दिखा तूने हाइट बढ़ानी। चलो 1 2 3 4 बस भैया, और कितनी बढ़ाओगे? अरे ओ भाई अभी कुछ नहीं बढ़ी, अभी तो और बढ़ानी है 2 से 3 इंच। भाई देख लो, दोनों बहन भाई हो ना, तो दोनों पकड़ भाई, दोनों को हाइट बढ़ानी है। तो भाई अगर आपको भी अपने बच्चों की हाइट बढ़ानी है, ग्रोथ रुकी हुई है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो देख सकते हो भाई का कितनी अच्छी लंबी हाइट हो रही है, और इतना और हो जाएगा। ठीक है, एज अ टॉलेस्ट गाय, एज अ वेरी वेरी टॉल गाय, एज अ लंबा आदमी, मैं ये क्लेम को फेक मानता हूँ। ओके, मेरे को जरूरत है, आई एम शॉर्ट, हाइट बढ़ानी है, जेनेटिक स्ट्रॉन्ग चाहिए पहले तो भाई। और तुम ऐसे बच्चे लोग को लेके आए, हाइट ऐसे भी बढ़ने ही वाला है, इतने छोटे बच्चों को ले 1-2 साल में तो बढ़ेंगे ही वो। और यार ये शाहरुख सलमान क्या पागल है क्या, आमिर पागल है क्या? हाइट बढ़ाना होता तुम्हारे पास ही आ जाता दवाई लेने, लाओ गोली भाई। और ये एक्सरसाइज से कुछ नहीं भाई, काव्स का एक्सरसाइज करा रहा है, इससे हाइट क्यों बढ़ेगा इसका? हर तीसरी रील पे 2-3 इंच बढ़ाने का जिक्र होता है इसका। जो लोग अपनी हाइट से परेशान होते हैं ना, वो दुनिया की हर एक चीज एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई जेनेटिक्स का खेल है, साथ में बचपन में आपने कितना स्पोर्ट्स खेला है, स्विमिंग किया है, उसका खेल है। यस, ये सबका रोल है, वो रोल नहीं जो वीरेंद्र भाई वीडियो के पहले देखो ऐसे से कुछ मिलता है लोगों को, बस उम्मीद, उनके उड़ाए पैसे नहीं। अरे मैडम, मैडम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो शरीर को, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? सर ये साइड फैट, साइड फैट कम के लिए, और ये काफी देखता हूँ मैं जिम में, बस ये ऐसा नहीं है, ये जाओ और ये, चलो मैडम आओ देखो नीचे जाओ, तू एक ही साइड करो पहले, निकल जाएगा कमर। देखो खराब कर रहे हैं, देखो ये सब रील देख के ना लोगों को बस उम्मीद मिलती है। अगर ऐसे स्पॉट रिडक्शन करके फैट लॉस होता ना, हर इंडियन ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ होता। पहले तो ये भाई का ही बॉडी अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो हमारा बॉडी है। सॉरी गाइस, फ्लेक्स पॉइंट समझ रहा अंकल, कोई स्पॉट पे फैट है देखो, और मेरे को तो फर्क नहीं दिख रहा बिफोर और आफ्टर में। आपके फ्रेम में आने से कोई चीज सही नहीं हो जाती, एक्चुअली आपके फ्रेम में आने से सिर्फ इनोसेंट कस्टमर के साथ गलत होता है। हम बात करेंगे कनू की, जिसका ब्रेकअप के बाद विलन आर्क शुरू हो गया। ब्रेकअप के बाद वो इतना पगला गया कि उसने कभी लड़की ही नहीं आन दी, ना अपनी लाइफ में, ना अपने जिम में, ना अपने मोहल्ले में। कपड़े भी अपने ट्रेनर उतार रहे, सब क्या है, लड़की छोड़ के चली गई, ट्रेनर फायदा उठा रहा है।
सारी इंटीमेसी ट्रेनर ने पूरी कर दी भाई की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज का नाम कनु नहीं है, कनु इसकी एक्स का नाम है, जिसके नाम पे ये आज भी रो के व्यूज छाप रहा है। तुम लोगों को लग रहा है ना कोविड के डर से मास्क नहीं पहन रहे, ये मास्क इसलिए पहन रहे इसका वायरस पब्लिक में ना फैले। दिखा दे भाई चेहरा, कंटेंट से खराब तो नहीं होगा, लोग लाइक करते हो चेहरा दिखने का तो भी लाइक नहीं होंगे। देख भाई लड़की का मेरे को पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन तेरे कोच उसके बारे में सलाह दे सकता हूँ, उसका इरादा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अगले महीने का पीटी का पैसा भरने से पहले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर, किसी इंजेक्शन इतना जोर से चुभेगा ना बताते फिरना पड़ेगा नेक्स्ट डे था मेरा। What is this? क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? अबे कैसा कोच है, मार रहा है ये तो फटके। मेरे को लगता है मास्क पहन के जिम में जाता है इसलिए ताकि ओनर पैसे ना मांग ले। अब आते हैं इंटरनेट के मेरे लिस्ट फेवरेट कंटेंट, एकदम निचले स्तर पर है ये कंटेंट, पब्लिक रिएक्शन वीडियो। राजू आई लव यू। मैम सॉरी, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है। थैंक यू। दूसरे लड़के का चलने का तरीका कैजुअल नहीं है थोड़ा ऐसा? इनको इनका सही है, बॉडी बनाने का वेट ही नहीं किया, उसके पहले ही पब्लिक रिएक्शन लेने चले गए। और ये जो तूने प्रोटीन बाल पे डाल दिया ना लाल करने, सही नहीं किया बेटा, मर रहे ऊपर वाले मर रहे। नहीं नहीं, तुम लोग को लग रहा है स्टंट कर रहे हैं? नहीं, जमीन सूंघ के बता रहे हैं। लाइजोल कौन से कलर कौन से फ्लेवर का था? बचपन में चार रिश्तेदारों के सामने करता था तो 20 रुपए मिलते थे, अभी चार लोग के सामने कर रहा है 20 लाइक मिल रहे, कैसे टाइम चेंज हुआ देखो। भाई तू हैंड स्टैंड की जगह सिर्फ स्टैंड करता ना तो भी लोग देखते, कि बंदर मदारी का हो या जंगल वाला, देखने में तो मजा आता है सबको। नेक्स्ट टाइम अगर गाइस आपका फ्रेंच फ्राइज गिर जाए ना नीचे तो ये आ जाएगा उसको खाने ऐसे। Cannot play, sir. इतनी वायलेंस क्यों है? आज के बाद किसी लड़की को बॉडी मत दिखाइयो। आज के बाद किसी लड़की को बॉडी मत दिखाइयो। रिएक्शन अच्छा था लेकिन का सीरियल भी होता, लेकिन मेरे को थोड़ा कमी लगा, ये एक लड़की ने मारा, 20-30 लोग मिलके मारना मांगता है इसको। ये एस साइज की बॉडी सुजा के एक्सेल ना हो जाए तब तक मारना मांगता है। ऐसे घूमता है, ऐसा लगता है सीमेंट दे दू फावड़ा दे दू बना घर। माँ बाप की जिम्मेदारियों का बोझ तो उठ नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन का तो उठा। पहले जब मैं जिम जाता था मुझे लगता है मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग को देख के ना पीटी हो रहा है, अभी ऐसा लग रहा है जिम वाले मेंटल हील होते जा रहे बेचारे, क्या ही हो रहा है। मुझे पहले लगता था जिम में जाने के लिए टी शर्ट जरूरी है, एक बोतल जरूरी है, लेकिन अभी टी शर्ट जरूरी नहीं है, एक ट्राइपॉड जरूरी है। क्या हो रहा है? What the hell is happening? ये वही लोग हैं जो दोस्त को एक क्रिएटिन के स्कूप की लागत देके नकली लड़की की डीपी लगाते, नकली चैट बनाते और फिर खुद के ही ब्रेकअप के एडिट बनाते, कि इनका कभी पैचअप तो हुआ ही नहीं क्योंकि इनको कभी लड़की तो मिली ही नहीं। जितने भी साकेत गोखले के हमशक्ल है ना सब लोग बंद करो प्लीज, सब खोखले है तुम लोग, खोखले नहीं खोखले। हम ऐसे लोग बात करेंगे जितनी पर्सनैलिटी है जिम जाना, उसको पूछेंगे ना और भाई कैसे दिखता नहीं है क्या श्रेडेड Shredded ripped. और भाई कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे है क्या? जिम जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है? जिम से आ रहा हूँ। अरे क्या खा रहे तू? दिख रहा नहीं है क्या? प्रोटीन बार पे प्रोटीन डाल के खा रहा हूँ। I love protein bars. Welcome to Mike Drop. Drop.
इन छपरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख के एक बात तो लगती है, जब पहली बार इनको किसी ने बोला होगा ना डंबल मार ले, अपने सर पे मार लिया होगा। रॉयल स्टाइल ने। लेकिन तुम लोग ने एक चीज नोटिस की, ये सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के ना जब डेडलिफ्ट मारते ना फॉर्म सबसे गलत होता है, क्योंकि डेड करियर और डेड वेट्स दोनों उठाना इनके बस की। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है भाई, इनके पर्सनल ट्रेनिंग के फीस ना स्काई हाई होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको भी मालूम है इनके टिप फॉलो करके क्लाइंट ज्यादा दिन बचने वाला है नहीं, तो जब तक है लूट लो। लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा माल गाड़ा। लेकिन ये वर्कआउट के बड़े पक्के होते हैं, जब भी इनको कोई बोलता है ना फेलियर तक सेट लगाओ, ये आईने के सामने देख के वर्कआउट करते हैं। बट ये लोग सुपर हीरो तो है, मैं तो इनको बैटमैन से रिलेट करता हूँ। इनके रील्स देख के इनके माँ बाप भी बोलते होंगे हम तुम्हारे लिए मर गए। आउच। इनसे बड़ा ट्रू लवर दुनिया में कोई नहीं, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। जब जब इनके व्यूज गिरना शुरू होते हैं ये अपनी एक्स को याद करते हैं। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख लिया। ये इतने बड़े फेमिनिस्ट है, नोटिस करो ये लड़कियों को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अपने लेवल पे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन 75 डे हार्ड चैलेंज बहुत फेमस है, अगर आपको पता है। इनको अगर कोई बोल देना 75 डे हार्ड चैलेंज कर लो, इनको टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके लिए सबसे हार्ड था 75 डे स्कूल चैलेंज करना, जिसमें ये फेल हो गए। इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के पास ना बहुत ही यूनिक नुस्खे होते हैं, जिससे मसल्स तो बढ़ते हैं लेकिन दिमाग कम होते जाता है ऑडियंस का भी मेरा भी। लेकिन जब भी देखो ये लोग ना पसीने से तर बदर रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि तगड़ा वर्कआउट किया था, इसलिए क्योंकि नाकामियों से दूर भागते रहते हैं। जब से इनके फॉलोअर्स ने इनकी टिप्स यूज करना शुरू किया है ना, एक चीज तो हुई है, सत्तू के सेल्स बढ़ गए और टेक्स्ट बुक के सेल्स कम हो गए। सो आई थिंक दैट्स इट टुडे, दैट्स इट फॉर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का रोस्ट वीडियो। पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो डू सब्सक्राइब, एंड हमारी तरफ से किसी को भी हेट नहीं, जो करना है करो। जब तक आदमी नहीं मर जाता है तब तक सब कुछ ठीक है। आदमी नहीं मरना चाहिए, देखो गाइस आदमी नहीं मरना चाहिए तुम्हारे नुस्को, तब तक सब कुछ ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखा यहाँ पे टैग करके देख लो, एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @ @2 million कर दो, तो मैं भी ऐसे हूं। एनीवे This was good. This was really, I think, जिन को भी फीचर किया था। आई मीन बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, मैं तो नहीं देखती हूँ यहाँ के कोई, मेरे को बाहर के भी नहीं देखती हूँ। आई ओनली फॉलो देम ऑन माई यूट्यूब जब मुझे वर्कआउट करना होता है, एंड दे आर सर्टिफाइड योगा पिलाटिस टीचर्स जिनको मैं देखती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। आई डोंट थिंक दे पोस्ट सच थिंग्स ऑन देयर इंस्टाग्राम, बट हाँ जैसे उन्होंने बोला इट्स नॉर्मल, हुआ वॉन्ट्स टू, जो जिनको जो करना है वो करे, जिसकी वजह से जिम जा रहे हैं जाओ, एटलीस्ट यू आर बीइंग फिट फॉर अ रीजन, कोई भी रीजन हुआ एट द एंड ऑफ द डे इट इज वॉट एवर, कोई भी रीजन है। पर्सनली आई एम अ जिम मेनियक, एक ही आई मीन नॉट जिम मेनियक बट अ वर्कआउट मेनियक बोल सकते हैं। वर्किंग आउट मेक्स मी फील हैप्पी, ठीक है, पूरा दिन अगर अच्छा नहीं गया आई जस्ट गो फॉर अ वॉक, आई विल डू सम लिटिल कार्डियो या फिर थोड़ा स्वेट, समथिंग दैट जस्ट इंड्यूसेस स्वेट, डांस कर लो, मे बी एरोबिक्स कर लो, जुम्बा कर लो, आई जस्ट फील आई एम सॉर्टेड। सो आई थिंक मेरे लिए वर्कआउट इज एसेंशियल इसकी वजह से, नॉट टू शो समवन और लेट समवन नो लुक आई हैव एन अमेजिंग बॉडी व्हाटसएप, वो तो हो ही जाएगी व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट देयर आर सम रियली वियर्ड टिप्स आउट देयर, यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू सी। अगर तुम्हें सूट करता है तो तुम लो, वरना जाने दो। हर चीज जो मीडिया पे होती है वो कंज्यूम करना जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करो, यू डोंट हैव टू लाइक टेक इट इन विद योरसेल्फ। एनीवे आई रियली एंजॉय दिस वीडियो, इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट मजा आया, इट वाज एक्चुअली अ फन वीडियो, आई एंजॉयड, होप यू डिड टू, एंड आई विल सी गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बेरीज, लव यू। मेरे आगे का सजेशन का बताना मुझे इफ यू वॉन्ट मी टू सी मोर पॉडकास्ट ऑफ हिम विथ यू, वरना मैं तो देख ही रही हूँ। ऐसा ना हो आप बताओ उससे पहले खत्म हो जाए मेरे सारे पॉडकास्ट, because I've been seeing it continuously, but yeah, we'll see. Bye, love you.